सुशांत की मौत मिस्ट्री के राज खोलने में जुटी सीबीआई मामले के सबसे बड़ी राजदार रिया चक्रवर्ती से लगातार तीसरे दिन तीखे सवाल कर रही है। अब तक की पूछताछ में सीबीआई रिया के जवाबों के आधार पर मामले की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। यहां आपको बताते चलें कि रिया ने अब तक 17 घंटे के उससे पूछताछ में क्या कुछ बताया और क्या इससे सुशांत की मर्डर मिस्ट्री की जांच को कोई दिशा मिली है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। देश की सबसे बड़ी मौत मिस्ट्री को अब तक कोई मुकम्मल दिशा तो नहीं मिल पाई है। सबकी निगाहें जिस एक सबसे बड़े राजदार पर है वो है रिया चक्रवर्ती। वो रिया चक्रवर्ती जो अच्छे से लेकर बुरे वक्त में सुशांत की सबसे करीब थी। सीबीआई के राडार पर राजदार रिया। रिया ने क्या क्या बताया, क्या छुपाया, किन सवालों पर अटकी रिया, कैसे सच निकलवाएगी तेज तर्रार सीबीआई। रिया चक्रवर्ती से अब तक 17 घंटे की पूछताछ हो चुकी है, आज भी ये सिलसिला जारी है। रिया ने आज तक को दी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा था कि वो सीबीआई का सामना करने को तैयार है। स्पीक अबाउट हार्ड ड्रग्स, आई हैवंट डन टू मच, ट्राइड एमडीएमए वंस, ये मैसेज व्हाट्सएप का सब चैनल्स पर चल रहा है। ये 2017 में है। आपने कभी एमडीएमए लिया है? जी नहीं। I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never. And I am willing to do a drug test. So you deny this conversation? I deny. With Gaurav Arya? Yes. You don't know him? No, I do know him. But I deny the contents of this conversation and I will like to reserve the rest of this for the investigation. और अब रिया से CBI के तीखे सवाल शुरू हो गए हैं। CBI ने पहले दिन रिया से पूछा, 8 जून को क्यों और किन हालात में सुशांत का घर छोड़ा? क्या 8 जून से 14 जून के बीच आपने सुशांत से बात की? आखिरकार सुशांत का नंबर ब्लॉक क्यों किया? क्या 8 जून के बाद पिठानी और बाकी लोगों से बात की? सुशांत के परिवार से कैसे रिश्ते थे? सुशांत का इलाज कब और किन डॉक्टर्स से करवाया? इन डॉक्टर्स का चयन किसने किया था और सुशांत को दवा कौन देता था? रिया से मैराथन पूछताछ का सिलसिला दूसरे दिन यानी शनिवार को भी जारी रहा। दूसरे दिन सवालों का घेरा सुशांत के डिप्रेशन से लेकर ड्रग्स के इर्द गिर्द रहा। सीबीआई ने रिया से ड्रग्स को लेकर सवाल किए। सीबीआई ने पूछा, क्या आपने कभी ड्रग्स ली है? क्या ड्रग्स का लेन देन किया है? ड्रग्स पेडलर के संपर्क में क्या आप रही हैं? क्या सुशांत को कभी किसी रूप में नशीली दवा दी है? क्या सुशांत डिप्रेशन में थे? क्या कभी उन्होंने सुसाइड की बात की? अब आपको बताते हैं कि रिया ने सवालों का क्या जवाब दिया। सीबीआई ने रिया से पूछा, क्या आपने सुशांत के 15 करोड़ लिए? रिया ने जवाब दिया, 15 करोड़ तो दूर, एक पाई तक नहीं ली। सीबीआई का सवाल था, आपकी जिंदगी शानो शौकत वाली थी, इसके लिए पैसा कहां से आता था? रिया का जवाब था, मेरा सारा खर्चा मेरी अपनी कमाई के हिसाब से रहा है, कुछ भी नहीं छिपाया, सब कुछ कागजों में है। सीबीआई ने सीधा सवाल किया, सुशांत बीमार था, उसको आपकी जरूरत थी, फिर आपने घर क्यों छोड़ा? इस पर रिया ने बताया, सुशांत अड़ गया था कि मैं घर छोड़ूं, मैं खुद बीमार थी। सुशांत ने कहा, अभी चले जाओ, जब ठीक हो जाओ तब मेरी मदद के लिए आ जाना। तीन केंद्रीय एजेंसियां जुटी हैं, ईडी जांच निपटा चुकी है, सीबीआई अपने काम में जुटी है और सच कभी भी सामने आ सकता है, जिसका सभी को इंतजार है। पंकज उपाध्याय, सौरभ बक्तानिया, दिवेश, अरविंद ओझा और शमसाहिर खान के साथ दिव्या, मुंबई आज तक।